रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि इस जंग से अमेरिका को आर्थिक रूप से काफी फायदा हुआ है। अमेरिकी रक्षा कंपनियां हथियारों की आपूर्ति करके अरबों डॉलर कमा रही हैं, वहीं चीन की भी चांदी हो गई है। हथियार उद्योग की बात करें तो अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग से रक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खर्च शुरू हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने ये ऐलान किया है कि वह 45 करोड़ यूरो के हथियार खरीदेगा और उसे यूक्रेन को सौंपेगा। उधर अमेरिका ने कहा है कि वह 35 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा। इससे पहले अमेरिका ने 65 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन को दी थी। इन सबको मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका और नाटो देश 17,000 एंटी टैंक हथियार और 2,000 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन में रूस के खिलाफ विद्रोही गुट को पैदा करने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और कनाडा के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है। इन सब फैसलों से दुनिया की दिग्गज हथियार निर्माता कंपनियों की चांदी हो गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिकी कंपनी लॉकहीड के शेयर 16% और रेथियान के शेयर 3% तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम ने शेयर के दामों में 26% की तेजी देखी। ये कंपनियां अब अपने निवेशकों को होने वाली कमाई के बारे में बता रही हैं। रेथियान ने 25 जनवरी को कहा था कि UAE में ड्रोन हमले और साउथ चाइना सी में तनाव को देखते हुए रक्षा खर्च बढ़ाने जा रहा है, इससे उन्हें फायदा हो सकता है। बात करें रूस की तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीन की शरण में जाना होगा, जिससे वह बीजिंग का जूनियर पार्टनर बन जाएगा। इसके अलावा चीन अब खाड़ी देशों में हथियारों की बिक्री को बढ़ावा दे सकता है। हाल ही में चीन को UAE से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कुल मिलाकर कहें तो इस जंग से जहां यूक्रेन और रूस तबाह हो रहे हैं, वहीं पश्चिमी देश और चीन इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। NBT ऑनलाइन के लिए शैलेश कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।